हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको एक गुड न्यूज़ देनी है और वो गुड न्यूज़ ये है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी ने खुद ये बात बता दी है कि जो आपका पैसा है स्कॉलरशिप का वो किस डेट तक आने वाला है और किस डेट से आना शुरू होगा। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पूरी क्या बात कही है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है और आप अपनी स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोग कहां से चेक कर सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो प्रोसेसिंग में है या नहीं, आपका करेक्शन पोर्टल ओपन हुआ है या नहीं। उसके बाद मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी स्कॉलरशिप है वो अब प्रॉपरली आने वाली है, जो कि गुड न्यूज़ है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है sarkarijobfind.com। इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है, आपको यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप करेक्शन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको सिंपली नीचे आना है। यहाँ पे आप लोग 5 से 6 लिंक्स देख सकते हैं जहाँ पर आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म लॉग इन कर सकते हैं, प्लस आप लोग यहाँ से अपना PFMS का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो प्रोसेसिंग में है या नहीं। आप लोग रेगुलर चेक करते रहिए क्योंकि जो अमाउंट है और जो करेक्शन पोर्टल है वो कभी भी ओपन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ, आपको लाइव न्यूज़ दिखाते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज़, यहाँ पर आप लोग ये हिंदुस्तान की न्यूज़ देख सकते हैं, शाहजहांपुर की 6 जनवरी से खाते में आएगी छात्रवृत्ति। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, यानी कि आज से जो आपका पेमेंट है वो आने वाला है। और ये बात जो है मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये समाज कल्याण अधिकारी ने खुद ये बात कही है। यहाँ पर मैं आपको पूरी लाइव न्यूज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं। शाहजहांपुर देशमोत्र छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत स्कूल कॉलेजेस महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए 9 वर्ष में छात्रवृत्ति का तोहफा सरकार 6 जनवरी से देने जा रही है। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, यानी कि जो आपका पेमेंट है अब वो 6 जनवरी से आने वाला है, जिसके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी विभाग की ओर से अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य वर्ग OBC वर्ग के लोगों को 6 जनवरी से 10 जनवरी के बीच छात्र छात्राओं को खाते में छात्रवृत्ति आ जाएगी। जी हां दोस्तों, यानी कि जो आपका पेमेंट है वो 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक अब आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, प्लस प्रोसेसिंग में शो होने लगेगा। क्योंकि जैसा कि आपको बताया, अभी डेटा प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाया था जिसकी वजह से आपका पेमेंट अभी तक नहीं आया, मगर अब जो है 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में जो आपका पेमेंट है वो आ जाएगा, जिसका सारा डेटा शासन मुख्यालय पर भेज दी गई है। ये जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार ने दी। जी हां दोस्तों, यहां पे आप लोग लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं कि ये जानकारी जो है जिला समाज कल्याण अधिकारी के राजेश कुमार जी ने दी है, जो कि हिंदुस्तान के पेपर में ये न्यूज छपी है, आप लोग देख सकते हैं। और जो डेटा है वो भी फॉरवर्ड कर दिया गया है शासन मुख्यालय पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 10 जनवरी के बीच छात्र छात्राओं को खाते में छात्रवृत्ति आ जाएगी, जिसका सारा डेटा शासन मुख्यालय पर भेज दिया गया है। यानी कि जो डेटा है आपका, जिनका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है, उनकी स्कॉलरशिप 10 जनवरी तक आ जाएगी, मगर शर्त यह है कि आपका फॉर्म जो है सस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छात्रों के जो फॉर्म होते हैं वो सस्पेक्ट में रह जाते हैं, जिसका रीज़न ये निकलता है उनकी स्कॉलरशिप लेट आती है। और अगर एक बार कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू हो जाती है तो फिर आपका जो पेमेंट है वो मार्च में आने की संभावना है। अभी जिन छात्रों को मिल जाएगा वो फायदे में रहेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि जिनका फॉर्म वेरीफाई होगा और स्कॉलरशिप उनकी अभी मिल जाएगी, यानी कि आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ऐसे छात्रों का अगर लाभ मिल जाता है तो फिर वो बेनिफिट में रहेंगे, और बचे हुए छात्रों को फिर बाद में जब आदेश आएगा तभी पेमेंट किया जाएगा। और अगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।